गोरखपुर जिले में बुधवार को 292 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। गोरखपुर में अब कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6182 हो गई है, जिसमें 1124 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो वहीं 2271 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन के तहत व 2695 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। आज कोरोना संक्रमित गोरखपुर में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गोरखपुर में अब तक कोरोना संक्रमण ने 92 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़े के अनुसार गोरखपुर में बुधवार को जो 292 नए केस सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र के 166 जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 76 सहित अन्य 30 मरीज शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में जो 166 नए केस सामने आए हैं, उसमें शाहपुर क्षेत्र में 48, तिवारीपुर क्षेत्र में 19, रामगढ़ताल क्षेत्र में 8, गोरखनाथ क्षेत्र में 37, कैंट क्षेत्र में 28, चिलवाताल क्षेत्र में 5, राजघाट क्षेत्र में 7, कोतवाली क्षेत्र में 27, गुलेरिया क्षेत्र में 7 मरीज पाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो 76 नए केस सामने आए हैं, उनमें भटहट क्षेत्र में 8, चरगावा क्षेत्र में 6, कौड़ीराम क्षेत्र में 1, पिपरौली क्षेत्र में 7, बड़हलगंज क्षेत्र में 4, गघा क्षेत्र में 5, खजनी क्षेत्र में 4, पिपराई क्षेत्र में 9, बेलघाट क्षेत्र में 7, गोला क्षेत्र में 3, खोराबार क्षेत्र में 11, सहजनवा क्षेत्र में 2, कैंपियरगंज क्षेत्र में 3, जंगल कौड़िया क्षेत्र में 2, पाली क्षेत्र में 1, सरदारनगर क्षेत्र में 2 व अन्य क्षेत्रों में 30 मरीज पाए गए हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि पॉजिटिव पाए गए नए मरीजों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, जिससे कोरोना के संक्रमितों को पकड़ने में और उनका इलाज करने में आसानी हो सके।